नया कश्मीर, ये शब्द अपने आप ही हम मैना लफज है। नया कश्मीर किसी के लिए रोजगारी का साधन है तो किसी के लिए अमन और आज़ादी का। नया कश्मीर एक नई सुबह का वादा है। इसी वादे को वादी की हुकूमत जी जान से पूरा करने में लगी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो। कश्मीर में बेहतर तालीम देने की कोशिश में सरकार ने कई स्कीमें और प्रोग्राम जारी की हैं, जैसे कि ऑनलाइन इनिशिएटिव के तहत 5000 तालिबों को कोडिंग और रोबोटिक्स में माहिर किया जाएगा। ये प्रोग्राम हर तालिब के लिए मुफ्त रखा जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ऑनलाइन प्रोसेस बेस्ड करियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कॉलेज और स्कूल का बुनियादी ढांचा भी बेहतर करने के लिए हुकूमत ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स को 500 से 1100 कर दिया है और नए स्कूल्स और कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया है। हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 70 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में से 19 मकाम हासिल किए। इतने बेहतरीन मौक़ों के बाद ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मुंतखब करेंगे, किताबें या हथियार। हम में से कुछ ऐसे ही होनहार शख्सियत हैं जिनके पास कोई सहूलियत ना होने के बावजूद इन्होंने सारी मुश्किलें और मसलों को शिकस्त करके आज वादी का नाम रोशन कर दिया है। अंजर नज़ीर, जो कि कुपवाड़ा के मजदूर के वारिस हैं, IIT JEE और मेंस क्लियर करके IIT रुड़की में दाखिला लेने वाले पहले कश्मीरी हैं। तनमर्ग के जुड़वा भाई, जिनके वालिद सिक्योरिटी गार्ड हैं, नीट की परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास होकर अपने परिवार का सर ऊंचा किया है। जब जज्बा मुश्किलों से ऊपर होता है तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है।